पता नहीं, लेकिन देख लीजिए भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। और यही हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, हम भी इसी में हैं। बहुत सारा लोग लगभग 5000 से ऊपर आदमी है। Migrant workers in our country, irrespective of which state they belong to, have been among the people worst affected by the coronavirus lockdown in India. Enforcing the physical distancing norms at a time when thousands of migrant workers are moving to their home state is the biggest challenge for the government. This scene is reportedly from Tamil Nadu, where thousands of migrants gathered at one place for registration to go home, flouting all the norms of physical distancing. 2 days old video is making rounds on social media on a day when PM Modi is about to address the nation at 8 p.m. on Tuesday. ये देखिए तमिलनाडु का त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से सभी लोग बिहार और बाकी प्रदेशों से काम करने के लिए उतरते हैं। वहीं पर रजिस्ट्रेशन का अफवाह है या फिर सही हमको पता नहीं, लेकिन देख लीजिए भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। और यही हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, हम भी इसी में हैं। बहुत सारा लोग लगभग 5000 से ऊपर आदमी है, देख लीजिए यही व्यवस्था है तमिलनाडु सरकार का। और जो भी उपाय कर रहे हैं नीतीश कुमार, देख लीजिए इसका जीता जागता सबूत सामने पड़ा हुआ है, देख लीजिए, देख लीजिए आप लोगों को हकीकत से मुहैया करवा रहे हैं। देख लीजिए लगभग इससे ज्यादा आदमी जो है रोड पर है, इससे ज्यादा आदमी रोड पर है। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है और कोरोना वॉरियर्स को देख लीजिए, जो सामने पुलिस वाला है वो भी घिरा हुआ है मजदूरों से, शायद आपको लग रहा होगा, देखिए दिख रहा होगा शायद, वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन का पालन कर रहा है, देख लीजिए। सभी लोग अपने गांव जाने के लिए बेचैन है, समझिए कि आगे कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को खबर करूंगा। धन्यवाद। This will be the Prime Minister's fifth address to the nation, including a video message, following the outbreak of COVID-19. Prime Minister Modi is likely to speak on issues related to the lockdown and migrant workers.